नमस्कार साथियों मैं हरे राम कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं जो जो लड़के जुड़े जुड़ना चाह रहे हैं हॉस्टल वाले सारे लड़के लग रहे हैं सो रहे हैं फटाफट आप जुड़े देखे सर और कौन है सिक्सटीन ही अभी जुड़े हुए हैं चले मैं लाइव में देख लेता हूँ जो जो है अपना अपना अटेंडेंस लगा दें और जो इसमें नहीं है हाय हेलो आप बोले तभी उसका प्रेजेंट लगेगा चले शुरू करते हैं आज हम हॉर्टिकल्चर में पढ़ने वाले हैं बहुत ही है इंपॉर्टेंट टॉपिक एक प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में इससे मिलने वाला है और उसका नाम है दोस्त इम्पोर्टेंट कल्चरल ऑपरेशन यानि किसान लोग या हम लोग जो जो कल्चरल ऑपरेशन करते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण शस्य क्रियाएँ करते हैं उनके बारे में हम डिटेल स्टडी आज करने वाले हैं जल्दी जल्दी से आप लोग अभी भी क्या चलो ठीक है जुड़ रहे हैं भावेश सर आप उधर देखें पॉइंट शुरू करते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है अपना उसे बोलते हो आप क्या मल्चिंग अब ध्यान से समझना कुछ लड़के इसमें नए हैं वो पहली बार जीवन में नाम सुन रहे हैं कि यार मल्चिंग क्या होता है मल्चिंग का मतलब होता है किसी भी भूमि पे मान लिया जाए ये स्वाइल है देखो इस स्वाइल को क्या कर रहा है कवर कर रहे हैं किससे कर सकते हैं मल्च मटेरियल ये मल्च मटेरियल सर क्या हो सकता है देखो ये ये मान लिया जाए गेहूं चावल का स्ट्रा है इससे भी आप स्वाइल को क्या कर सकते हो ऊपर से कवर कर सकते हैं या पोलोथीन से कवर कर सकते हैं इससे मेनली बेनिफिट्स क्या होगा कि मल्चिंग का क्या फ़ायदा है तो एक तो सॉइल में जो मॉइशर होते हैं यानी कि नमी होता है उसको आप क्या करोगे कंजर्व करते हैं ये तो बाकी आपको ज़्यादा डिटेल एग्रोनॉमी में आपको पढ़ाएंगे सर कि मृदा के जो नमी होते हैं उसे आप क्या करते हो मेंटेन करते हैं और मिट्टी के अंदर जो तापमान होते हैं जिसको बोलते हो आप स्वाइल टेम्परेचर मृदा तापमान सोइल टेम्परेचर वो भी क्या रहता है इसका मेंटेन रहते हैं तो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मल्चिंग की कि एक तो सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन करते हैं संरक्षण करते हैं नमी को बनाए रखता है और दूसरा मृदा का तापमान को भी बनाए रखता है सुटेबल मृदा का तापमान होते हैं किसी भी प्लांट के लिए पर सर आपने एग्जाम में क्या आएगा तो मल्चिंग की क्रिया किस में करते हैं स्ट्रॉबेरी में ये दर्शन कर लो स्ट्रॉबेरी का मैं बहुत दिन से इसे दिखाना भी चाह रहा था आपको कि ये स्ट्राबेरी का प्लांट है एक में मल्चिंग आप देख रहे हो क्या धान गेहूं के वो जो स्ट्रॉ होते हैं उसके द्वारा कर रहे हैं और दूसरे में हम क्या पोलोथीन लगाए हुए हैं ये दोनों किसका है मल्चिंग का उदाहरण है और मल्चिंग किसमें करते हैं दोस्त स्ट्रॉबेरी में तो देखे आपने और स्ट्रॉबेरी किस तरह से इस तरह से रन कर रहा है इसीलिए इसका प्रोपगेशन प्रवर्धन किसके द्वारा आपने लिखा था रनर्स के द्वारा तो ये दिखाना भी था रनर्स के द्वारा तो ये आपको दो चार पॉइंट इसमें है जो ध्यान में आप रखें आगे हम बढ़ते हैं दोस्त अगला इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग सहयोग करें तो एक क्लास तो लाइव पढ़े थोड़ा सा हमें भी मजा आता है लाइव में क्योंकि इस तरह के इमेज में आपको ब्लैक बोर्ड पर नहीं दिखा पाता हूँ अगला है कि पूछे गए एग्जाम में टैपिंग की क्रिया किसमें करते हैं सारे आज इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सी क्रिया किसमें करते हैं और काफी महत्वपूर्ण है टैपिंग का मतलब होता है उसके सैप निकाल लेना अब ये देखो यहां पे चीरा लगा रहे हैं किस में सर ये किसका प्लांट है तो ये प्लांट है आपका रबर का कौन सा प्लांट है रबर का प्लांट पहला रबर के प्लांट में देखो ये कट लगाया और यहां से इसका रस इकट्ठा हो रहा है कहां इस बर्तन में इस पात्र में तो इसको हम बोलते हैं टैपिंग अब टैपिंग में ये जो छाल को काटे हो तो किस भाग को हम काटते हैं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिख देता हूं कैम्बियम को कैमबियम ये ध्यान रखना कि किस भाग को काटते हैं रबर में जिससे कि उसका रस बाहर निकलते हैं यानी चीरा लगाते हो तो वो कैम्बियम का अगला इन भाई साहब को देखे होंगे ये घड़ा लेके ऊपर जा रहे हैं ये खजूर में भी जा सकते हैं ताड़ में भी जा सकते हैं ये नारियल का पेड़ है अब ये चीरा लगाएंगे यहां पे और घड़ा भर जाएगा तो वो वापस ले आएंगे तो ये घड़ा में जो सैप है रस है जूस है इसी को बोलते हो आप टोडी क्या बोलते हैं दोस्त टोडी ताड़ के पेड़ से सबसे ज्यादा क्या होता है तोडी प्राप्त किया जाता है <coughs> तो ये तोडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास में हूं सर मैं करूं थोड़ा देर में तो ये तोड़ी आपने लिखा कि तोडी आपको पता है नारियल का पता हो गया टैपिंग की क्रिया किसमें करते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट टैपिंग में सर कौन सी भाग को कट लगाएंगे तो कौन सी भाग को तो कैम्बियम को टैपिंग की क्रिया किसमें करते हैं रबर और नारियल में छोटा छोटा पॉइंट है अपने डिस्कस करते चलते हैं बहुत ही शानदार पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्त रोस्टिंग किसे कहते हैं कहीं ना कहीं बी एस सी एम एस सी तक में जाओगे तो हॉर्टिकल्चर में इन शब्दों से टकराव होगा आज क्या मैं पूरी शब्दावली को एक तर पढ़ने वाले हैं कहाँ कहाँ कौन सा शब्द का उपयोग करते हैं जो हमें क्रॉप बाइज क्रॉप इंपॉर्टेंट लेक्चर में आपको डिटेल पढ़ाऊंगा पर उसके बारे में छोटी छोटी जानकारी देखता हूं कि आज सबसे पहला पॉइंट है रोस्टिंग अरे सर रोस्टिंग तो सबसे पहले हम समझे कि काजू लगते कहां है देखो आप पूछेगा रोस्टिंग किस में करते हैं काजू में अब टीचर ना केवल यह बता के निकल जाएगा कि काजू में करते हैं क्या होते हैं भाई साहब को खुद नहीं पता तो आपको कैसे बताएंगे काजू में यह है काजू का पेड़ जहां काजू लगा हुआ है देखो ये नीचे वाले काजू है अब इन काजू को हम सेलिंग परसेंटेज यानी इसको अलग करते हैं तो इनको अलग किया तो कुछ इस तरह से अलग करने के लिए इनके थ्रेसर लगे हुए हैं इस टाइप से जिससे यह पार्ट क्या हो रहा है अलग हो रहा है अब यह जो काजू ऐसा काला काला है देखो ये तो प्लांट में लगे हुए हैं अब इस काजू को हमने अलग किया और इस तरह के दिखा आपको काला दिखा अब ये काजू अगर मार्केट में मैं लाऊ तो इसकी प्राइस मार्केट में ये काजू खरीदोगे या ऐसा वाला <coughs> ये वाले खरीदेंगे अब इसको क्या है सफेद करना है सफेद करना है थोड़ा चमकाना है और इसमें देखते हो काजू को ऐसे सूंघते हैं तो एक अलग तरह के खुशबू आते हैं ये खुशबू यानी कुछ इसमें सुगंधित पदार्थ भी मिलाना है ताकि इसमें एरोमा आ जाए सुगंध आ जाए तो काजू में एक तो इसकी खूबसूरती को बढ़ाना है इंडस्ट्री में और कुछ एरोमेटिक पदार्थ जो होते हैं मिला देते हैं जिससे इसमें खुशबू आने लगते हैं तो यह बना दिया अब इसको पैक कर दूंगा तो ये देखो काजू एक के जी हो गए नौ सौ रुपये में लेना पड़ेगा तो इसको कहते हैं रोस्टिंग यानी रोस्टिंग की क्रिया किस में करते हैं दोस्त काजू में समझ में आया देख लियो किस तरह से काजू लगते हैं तो यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब अगला पॉइंट मैं चलता हूं आपके नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टैकिंग की क्रिया किसमें करते हैं देखो आप स्टैकिंग तो स्टैकिंग का मतलब होता है ना सहारा देना प्रॉपिंग का मतलब भी होता है सहारा देना अब सहारा किसे दोगे जो बड़ा होगा उसे तो सहारा देंगे जैसे ग्रीन हाउस में हम लोग जो हमारे एमएससी में रिसर्च था वो था टमाटर पे तो टमाटर पे हम क्या करते हैं टमाटर को इस रस्सी से देखो बांध देते हैं इस रस्सी से बांधने के बाद क्या होगा ये टमाटर अगर ग्रीन हाउस में लगाए हो तो उसको कहते हैं इनडिटरमिनेट प्लांट यानी उसकी कोई सीमित ग्रोथ नहीं है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा जैसे आप इस इमेज में देखें मैं दिखाया हूं ये ग्रीन हाउस की प्लांट है अगर इतने टमाटर आपके लग गए अब इसे सहारा नहीं दोगे तो ये सारे कहां आ जाएंगे जमीन पे आ जाएंगे तो इसको रस्सी से ऊपर से बांध देते हैं धीरे धीरे ये ऊपर चढ़ता जाएगा इसको आप बांधते जाओगे नीचे से टमाटर ये देखो इतने टमाटर लेते जाओगे और ये प्लांट कहाँ ऊपर बढ़ता जाएगा इसे हम कहते हैं क्या स्टैकिंग यानी कि सहारा देना ये टमाटर में कर सकते हैं केला में कर सकते हैं बहुत सारे कुकरविट्स में भी इसे हम करते हैं पर पूछे स्टैकिंग की क्रिया कहाँ ज़्यादा करते हैं ग्रीन हाउस में या ओपन फील्ड में जो किसान करते हैं तो कहाँ बताओगे आप ग्रीन हाउस में इसे हम करते हैं तो पॉइंट आपको यहां तक में डिस्कस हो गया नेक्स्ट पॉइंट हम आपके सामने चलने वाले हैं दोस्त देखें अगला पॉइंट क्या है फटाफट -फड़ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है। देख लेता हूं, कौन कौन से भाई साहब जुड़े हुए हैं दीप्ति मीना एकता सबका नाम पढ़ लेता हूं रवि रेगर चले कृष्णा सारे जुड़े हुए हो अमनदीप ग्रवित अभी भी एक दो लड़के हैं, तो मैं इनसे मिलूंगा मुलाकात होंगे इंपॉर्टेंट है आपके प्रश्न तो सिंपल आने वाले हैं मेटाकिंग किस में करते हैं बताओ तो मेटाकिंग किस में करते हैं केला में बस आप याद अब मेटाकिंग होता क्या है जरा इसे हम देखते हैं मेटाकिंग जैसे यह है एक केला है अब इस केला के प्लांट को आप क्या करते हो जब इसका आपने फल ले लिया तो कट कर देते हैं देखो ये केला का पेड़ हमने क्या कर दिया पूरी तरह से कट कर दिया कट करने के बाद कंडीशन क्या बनेगा कुछ इस तरह से केला इस तरह से हो गया अब यहां से बहुत सारे क्या निकलेंगे मेरे बंधु इसे बोलते हैं सकर्स क्या बोलते हैं सकर्स तो बहुत सारे निकलेगा सकर्स तो अभी आपको ध्यान देना है कि मेटाकिंग किसको कहते हैं जब केला का उत्पादन हो जाए तो उस प्लांट को भूमि से लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर क्या करते हैं पूरी पेड़ को काट देते हैं काटने के बाद यहाँ बहुत सारे सकर्स निकलेंगे और ये सकर्स काम आएगा आपके अगले साल प्रोपगेशन में तो इसे हम बोलते हैं मेटाकिंग बहुत इंपॉर्टेंट देखो केला को हमने काट दिया तो ये मेटाकिंग की क्रिया है तो आपने प्रश्न क्या आएगा केवल सिंपल सर मेटाकिंग की क्रिया किस में करते हैं ऑप्शन आ जाएगा केला अंगूर आम और उसके बाद एक और आ जाए बेर तो इंपॉर्टेंट मेटाकिंग किसमें करते हैं केला में अब प्रश्न आता है क्यों करते हैं ताकि इस केला से बहुत सारे अब देखो अगला इमेज बहुत सारे सकर्स निकल जाए छोटे छोटे केले को क्या बोलोगे सकर्स मैंने आपको बताया था कि केला के सबसे नीचे वाले भाग ये क्या कहलाते हैं इसे मैं मिटा दूं चलो इसे मिटाता हूं सबसे नीचे वाले भाग जो दोस्त पहले बनता है क्या राइजोम क्या बनता है राइजोम राइजोम से क्या बनता है सकर्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब लिख देता हूं और यही सकर्स ये सकर्स है जब बड़ा हो जाते हैं तलवार के जैसा तो इसको आप बोलते हो सॉ सकर्स क्या बोलते हैं दोस्त सकर्स तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट अब है ये बहुत सारे अगर केला के बगल बगल में सकर्स निकल गया इसको हटाना डी का मतलब क्या होता है डी का मतलब होता है हटाना किसको हटाना सकर्स को हटाना अब को हटाना, तो को हटाना क्या कहलाएगा डी सकरिंग हटाना क्या कहलाएगा डी किसमें करते हैं केला में करते हैं। बताओ मेटो की क्रिया किसमें करते हैं केला को काट देना मेटोकिंग तो ये करते हैं केला में ही अगला डी सकरिंग भी किसमें किए दोस्त केला में देखो ये सकर्स आपने देखा होगा गांव में इसलिए ये इमेज काफी इंपॉर्टेंट है अगला देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ रहा है डीनेबलिंग सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि केला का फ्लावर आप देखो यह केला का फूल है तो केला का यह जो बड़े वाले फूल है ना जो आपने देखा होगा यह लंबा सा आगे निकल जाते हैं यह कहलाते हैं मेल फ्लावर यह आगे वाले ये वाले भाग देखा होगा केला में यह क्या कहलाता है मेल फ्लावर देखो अब इस मेल फ्लावर की ना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना इस पृथ्वी पर मेल की कोई कीमत नहीं है मैं आपको बताऊंगा तो डी का मतलब अभी हमने बोला डी का मतलब होता है हटाना अब किसको हटाना नेवलिंग नेवलिंग का मतलब होता है नर भाग यानी कि केला में नर भाग को हटाना कहलाता है डीनेवलिंग सर ऐसे क्यों करते हैं नर के साथ हर लोग इतनी बेजती क्यों करते हैं तो देखो कारण क्या है अभी ये केला कैसा लग रहा है मरा मरा चोटा -चोटा मरा मरा छोटा छोटा लग रहा है अब ये नर ना इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं ये मादा से बना होगा केला तो भाई इसकी पूरी अवस्था हो गया नर का नर का काम क्या था नर का काम था यहां से पोलन ग्रेन देना पोलेन ग्रेन तो केला में चाहिए ही नहीं क्योंकि होता है से केला में बीज नहीं होते हैं, तो नर की आवश्यकता नहीं अब ये नर ना कुछ कर भी नहीं रहा है कुछ नहीं कर रहा है और दूसरा नुकसान क्या कर रहा है कि जो पोषक तत्व केला को मिलता उस पोषक तत्व में घर में बोलता यह नर कि नहीं मुझे लाओ मुझे भी दो मुझे भी दो तो ये केला बोलता यार कि अगर मेरे में पोषक तत्व आएंगे तो मैं बड़ा होऊंगा मेरा साइज क्या होगा बड़ा हो जाएंगे और मार्केट में हमारे कीमत बढ़ेंगे हमारे वैल्यू बढ़ेगा तो इस नर को काट देते हैं नर बेचारा जमीन पे गिर गया बोला हट हाँ तो केवल परेशान करता है तो इस नर को काट दिया और नर कहां चला गया नीचे किसान इसको मंडी में ले जाता है और पंद्रह रुपए बीस रुपए में बेच देते हैं पंद्रह रुपए पंद्रह रुपये पंद्रह रुपए तो क्या उपयोग हो गया इसको लोग सब्जी बना लेते हैं एक केला के नर भाग का क्या बन जाता है सब्जी पंद्रह रुपये बीस रुपये मिल भी गए किसान को हर एक प्लांट से और दूसरा फायदा क्या हुआ जो पोषक तत्व ये आ रहे थे अब पोषक तत्व किसे मिलेगा केला को तो इससे इसकी साइज भी क्या हो जाएंगे आकार बढ़ जाएगा और मार्केट में इसकी प्राइस क्या हो जाएंगे डबल हो जाएंगे तो दोस्त ये क्रिया कहलाता है डीनेबलिंग नर भाग को हटाना और किसमें करते हैं केला में करते हैं देखो यहां भी दिया हूँ राइजोम के बारे में राइजोम जमीन के नीचे के भाग मैंने बताया था ये कहलाता है राइजोम राइजोम से ही बनता है ये सूडो स्टेम बता चुका हूं केला के भाग राइजोम से बनता है क्या सकर्स और सकर से बनता है क्या सॉर्ट सकर्स ये ऊपर वाले जो केला दिख रहा है इसे कहते हैं फीमेल फ्लावर और ये है दोस्त लंबा वाला ये मेल फ्लावर इसी को हटाना कहलाता है डी तो तीन पॉइंट हमने पढ़ा केला के लिए क्या क्या एक तो डी नेवलिंग नर को हटाना दूसरा हमने पढ़ा डी सकरिंग सकर्स को हटाना और नेक्स्ट पॉइंट है मेटोकिंग केला को काट देना जिससे पोषक तत्व तो ऊपर नहीं जाकर नीचे आएंगे और नीचे आएगा तो बहुत सारे यहाँ से सकर्स बनेंगे और ये सकर्स अगले साल काम आएगा दोस्त किसके लिए प्रोपगेशन के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताया और ये केला के लिए हमने डिस्कस किया अब हम पढ़ते हैं उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है दोस्त प्रोपिंग प्रॉपिंग मतलब अभी आपने बोला स्टैकिंग क्या होता है सर तो इसका मतलब भी हमने बताया आपको सहारा देना सेम कंडीशन है कि प्रॉपिंग का मतलब सहारा देना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम केला के बारे में देखते हैं कि क्या है सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं कि केला क्या है इस भाग के तो हमने आपको बताया था कि केला के सबसे जो नीचे भाग जमीन का होता है वो पहले बनते हैं राइजोम अभी बता चुका हूं अब राइजोम से बनता है दो सक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं और इस सकर से बनता है तलवार के जैसा शॉर्ट सकर्स जरा देखें ये टिश्यू कल्चर में भी केला का उपयोग करते हैं और बार बार प्रश्न आता है कि टिश्यू कल्चर में कौन सा फ्रूट्स का सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है तो केला का ये जो भाग है केला का ऊपर इसको हम बोलते हैं आभासी तना यानी कि सूडोस्टेम कैसा है दोस्त आभासी तना देखने में लग रहा है तना पर तना है नहीं इसे कहते हैं आभासी तना अब इस नीचे के एक भाग को निकाल दिया जिसे हम बोलते हैं राइजोम यह दिखाना दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हर एक लड़का केला में केवल रटता है सॉर्ड सकर्स केवल आप याद करते हो सॉर्ड सकर्स छोटी सी ज्ञान आपको गलत करा देगा अगर सकर ऑप्शन नहीं है तो सबसे पहला क्या आप टिक करोगे राइजोम ऊपर के भाग स्टेम केला के जमीन के नीचे के भाग को कहते हैं राइजोम उसके बाद बनता है सकर्स तो ये राइजोम ये मैंने आपको कल दिखाया था ग्लेडुएलस में कॉर्म तो ये कॉर्म के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे अब मैं आपको तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं जैसे आप देखें चाहे आप बात करें बल्ब का चाहे आप बात करें का, चाहे आप बात ट्यूबर का जो आलू में होते हैं ये ग्लेडियोलस में होता है ग्लेडियोलस और ये आपने देखा होगा ओनियन में प्याज में या फिर इसे गार्लिक में लहसुन में अब ट्यूबर आपने देखा होगा पोटैटो यानी कि दोस्त ये आलू में प्रोपगेशन करते हैं और लास्ट पढ़ता हूं राइजोम ये भी प्रश्न आते हैं ये आपने जिंजर जिंजर और टर्मरिक टर्मेरिक तर यानी कि हल्दी और अदरक अदरक का प्रोपगेशन करते हैं राइजोम से ये सारे जो है ये मोडिफिकेशन है मोडिफिकेशन है ये किससे बना है सर मोडिफिकेशन है तना का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तनाका कोई भी आपको पूछ ले कि बल्ब किसका मॉडिफिकेशन है तो आप आंख बंद करके कर बोल सकते हो तना का सर कॉर्म किसका है तनाका या तो क्या पूछ सकता है का ग्लेड्यूलोगेशन किससे होता है प्रवर्धन कॉर्म से ओनियन एंड गार्लिक का बल्ब से पोटैटो ट्यूबर जिंजर और टर्मरिक किससे राइजोम इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे केवल हमें बताना था ये सारे मॉडिफिकेशन जो है रूपांतरण है वो किसका है दोस्त तनाका चले आगे बढ़ते हैं अब आगे जो पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं प्रॉपिंग देखते हैं प्रॉपिंग क्या है प्रॉपिंग सब बहुत इंपॉर्टेंट ये भी गन्ना में आपने देखा होगा कि जैसे ये भाई साहब ये देख रहे हैं कि अगर एक एक गन्ना अलग अलग रहा इस तरह से तो ये गन्ने ना बैंड हो जाएंगे देखा गांव में एक गन्ना उधर एक गन्ना इधर एक गन्ना इधर तो ये पांच सात गन्ने को बांध रहे हैं देखो यहां पर ये बांध देते हैं बांधने से क्या होगा कि ये इधर उधर नहीं जाएंगे हार्वेस्टिंग क्या होगा इजी हो जाएगा इसे कहते हैं किस किसमें करते हैं गन्ना में अब आते हैं बेंडिंग। ये सारे ऑपरेशन क्रिया अगर एक बार आप पढ़ लिए तो बार बार मुझे क्रॉप में इतना डिस्कस नहीं करना पड़ेगा सबसे पहले समझते हैं कि बेंडिंग होता क्या है सर इस कॉन्सेप्ट को ना बहुत ध्यान से समझना कि बेंडिंग क्या है बेंडिंग का मतलब होता है झुकाना बेंड का मतलब क्या होता है झुका देना अब किसको झुका रहे हैं सपोज दैट यह एक अमरूद की तना है यह अमरूद की तना है और देखो अगर मैं सिंपल पढ़ाता इस पैनल का उपयोग नहीं करता तो क्या बताता रटवाता बेंडिंग किस में होते हैं बेटा अमरूद में कहा करते हैं महाराष्ट्र में लोग इतना ही जानते हैं केवल तो यह हो गया कि भाई रट लिए हमने बेंडिंग अमरूद में कहा करते हैं महाराष्ट्र में यह इमेज आप देख लो कि इसके डाली को क्या कर दिया हमने झुका दिया अब समझते हैं एक्चुअल में कि बेंडिंग होता क्या है जरा आपको बहुत इंपॉर्टेंट कहानी सुनाने वाला हूं बेंडिंग के बारे में देखें आप यह है एक अमरूद का प्लांट बनाता हूं यह अमरूद आपने देखा होगा क्या कि जो सबसे ऊपर के जो भाग होते हैं ऊपर का भाग इसको कहते हैं एपिकल पार्ट कल भी बता चुका हूं और इसी एपिकल पार्ट पे एपिकल पार्ट एपिकल को बोलते हैं शीर्ष भाग कौन सा भाग है दोस्त शीर्ष भाग इस भाग पे मेरी स्टेम टिश्यू होते हैं बिब्जियो तक जिसमें बहुत ज्यादा होता है सेल डिवीजन की क्षमता फर्स्ट पॉइंट एपिकल डोमिनेंस जो टर्म आता है यहां पे जो सिंथेसिस होते हैं चलो अगला पॉइंट की बात करता हूं सिंथेसिस जो होता है सिंथेसिस की बात करूं, एक हार्मोन पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑक्जीन फिर से बताएं एपिकल डोमिनेंस क्या है वो ऑक्जीन के जो फंक्शन पढ़ेंगे उसमें तो मचा डालूंगा कि क्या है अभी आपको केवल ध्यान देना है कि सबसे ऊपरी जो भाग है एपिकल पार्ट पे सिंथेसिस होता है किसका ऑक्जीन का जब ये संश्लेषण होता है दोस्त अब आगे कहानी केवल हमने बोला ऑक्जीन का अभी आप कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो जनरल हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहा हूं संपूर्ण हॉर्टिकल्चर में कुछ भी शब्द कहीं का आ सकता है और पूरी टर्म तीन बार रिपीट होंगे इसलिए घबराना नहीं कि सर ये नहीं समझ में आया वो नहीं केवल आप देखें शब्दों का नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमने बोला क्या ये ऑक्जीन ये ऑक्जिन कहां पे संश्लेषित होते हैं ऊपर की भाग पे अब जानते हो ये संश्लेषण तो ऊपर होते हैं पर ये ऑक्जीन ना नीचे की ओर गति करता है गति कहां करता है नीचे की ओर और, और नीचे को कहते हैं बेस ये क्या है बताओ ये प्लांट का क्या है बेस और हिंदी वाले कहते हैं इसको तल नीचे की ओर आना कहलाता है बेसी पीटल अच्छा सर ये प्रश्न तो अभी आया था कि ऑक्सीजन का मूवमेंट कैसा होता है बेसी पीटल कहां होता है संश्लेषण कहां होता है सिंथेसिस होता है दोस्त इसका एपिकल पार्ट पे पर गति कहाँ करता है नीचे की ओर इसीलिए आपने देखा होगा जड़ को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजीन उत्तरदायी है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जड़ बढ़ेगा तो इसके लिए कौन इंपॉर्टेंट है ऑक्जीन क्योंकि ये कहां आता है नीचे की ओर और, और नीचे की ओर आना उसे बेस की ओर आना बेसी पीटल और हिंदी में कहते हैं इसे तला भिसारी क्या कहते हैं इसको तला भिसारी यानी नीचे की ओर ऑक्जीन आना दोस्त कहलाता है तला भिसारी बताओ यहां तक में कोई पॉइंट मैंने ऑक्सीजीन की संश्लेषण ऊपर गति नीचे नीचे की ओर आना कहलाता है या अब समझते हैं पॉइंट इंपॉर्टेंट जब ऑक्जीन नीचे की ओर आ रहा था जब ऑक्जीन नीचे की ओर आया तो इसका मेन फंक्शन जानते हो ऑक्सीजीन का क्या है इसका मेन फंक्शन है ये ऊपर के भाग को बढ़ाएगा यानी प्लांट को कहां करेगा लंबा ये ऊपर के भाग बढ़ेंगे डोमिनेंट होंगे इसी को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस इसको क्या कहते हैं एपिकल डोमिनेंस पहले समझना बात जिसको हिंदी वाले बोलते हैं ऊपर वाले भाग डोमिनेंस है तो शीर्ष प्रभाविता यानी शीर्ष भाग प्लांट का क्या होगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ेंगे शीर्ष प्रभाविता लेकिन ये जो बाल ये जो भाग है ये शाखा प्लांट के साइड बाई साइड शाखा इसको कहते हैं लेटरल क्या बोलते हैं लेटरल साइड वाले शाखा इसको कम करेगा फिर से समझो दो पॉइंट मैंने बोला एपिकल डोमिनेंस बहुत इजी पॉइंट आप समझोगे अगर ऑक्जीन का संश्लेषण ऊपर होता है तो पेड़ ऊपर की ओर उसकी बढ़ेंगे ग्रोथ ऑक्जीन की गति नीचे की ओर होगा जैसे ही नीचे की ओर आया तो देखा अच्छा तू लोग भी विकास कर रहा है लेटरल पार्ट तो लेटरल पार्ट को क्या कर देगा रिड्यूस करेगा नहीं 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 अगर सारे पोषक तत्व तुम में आने लगे न्यूट्रिएंट तुम में आने लगे तो ऊपर के भाग में क्या होगा वृद्धि नहीं होंगे इसलिए इसने लेटरल पार्ट को रिड्यूस कर देता है लेटरल साइड वाले ब्रांचिंग को कम कर देगा तो देखा होगा पेड़ में साइड शाखा के वृद्धि नहीं होते हैं कहां होंगे ऊपर की शाखा का कब होंगे जब ये प्लांट कैसा हो ऊपर कॉन्सेप्ट को समझना दोस्त बेंडिंग तो एक शब्द है पर इसको पढ़ाने में मुझे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं कि बेंडिंग एक्चुअल में करते क्यों हैं जरा देखते हैं हम बेंडिंग का अगला पॉइंट क्या है तो लेटरल ब्रांचिंग को क्या कर दिया, इसने? कर दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि अमरूद का अगर पेड़ है ऐसा और आप जानते हो कि अमरूद की जो फल लगते हैं ये अमरूद तो ये जो जितनी साइड शाखा आएंगे ये साइड शाखा इसमें नए नए जो ब्रांचिंग होंगे न्यू ब्रांचिंग न्यू ब्रांच जितनी नई शाखा होंगे अमरूद में उसी में फल लगता है ये इसका मेन कैरेक्टर है न्यू सूट में लगेंगे और न्यू सूट में जो फल लगेगा दोस्त ये कब जितने ज्यादा इसको काटोगे छाटोगे अमरूद को तो नए नए इसमें सूट आएंगे और उसमें फल लगेंगे ये फल लग रहे हैं यानी साइड वाले ब्रांचिंग जितनी ज्यादा बढ़ेंगे अमरूद का उतना ज्यादा फल लाएगा अब ऑक्सीजी क्या करता है जब खड़ा है तो ये साइड वाले ब्रांचिंग को बढ़ने ही नहीं देता क्योंकि लैटरल ब्रांचिंग तो को तो इसको क्या करना है कम ऊपर वाले बढ़ाना है तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि क्यों नहीं हम ऊपर जो ऐसा है ऑक्सीजीन का ये जो गुण है बड़ा खराब है भाई कि ये ऊपर से नीचे की ओर आते हैं और साइड वाले को बढ़ने देते ही नहीं अगर साइड नहीं बढ़ेगा तो अमरूद का फलन होगा ही नहीं कम होगा तो इस प्लांट को क्या कर दिया जाता है बेंड लो बेंड कर दिया डाली को क्या कर दिया बेंडिंग साइड वाले शाखा जो है इसको क्या कर दिया झुका दिया सबको क्या कर दिया ये झुका दिया बेंडिंग अब ये प्लांट झुक गए तो बताओ ऑक्सीजीन का मूवमेंट इधर होगा नहीं होंगे अब ऑक्सीन का जब मूवमेंट नहीं होगा नीचे की ओर तो साइड वाले शाखा बढ़ेंगे अब साइड शाखा बढ़ेगा तो फलन अच्छा होगा फलन क्या होंगे दोस्त अच्छा होगा ये कहलाते हैं बेंडिंग और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है केवल बेंडिंग किस में करते हैं देखें अमरूद में करते हैं और कहाँ करते हैं महाराष्ट्र में करते हैं किस लिए करते हैं इंड्यूस फ्लावरिंग इंड्यूस फ्लावरिंग यानी फूलों को बढ़ाने के लिए करेंगे बहुत सारा फूल आएगा और क्रॉप रेगुलेशन के लिए क्रॉप रेगुलेशन यानी जिसको आप बोलते हो बाहर नियंत्रण बाहर कंट्रोल या बाहर रेगुलेशन होता है एग्जैक्ट शब्द रेगुलेशन हिंदी वाले बोलते हो बाहर नियंत्रण तो बाहर नियंत्रण के लिए भी करते हैं क्या बेंडिंग डाली को झुका देना आगे बढ़े बहुत डिटेल पढ़ा देता हूं कोई अंतर नहीं ये पॉइंट और जबरदस्त है देखे पहले आप एक दो मिनट देखो जिसको लिखना है लिखे आप एक सेकेंड फिर मैं बात करता हूं <coughs> <coughs> क्लास समझ में आ रहे हैं या नहीं जरा आप बताएं, कौन कौन लोग हो संजय ग्रवित आपनो आजमो अजमेर बिंटू लाल सारे लड़के सो तो नहीं गया इसमें कमेंट में भी बताएं कि इनको क्या समझ में आ रहा है किनको नहीं फिर आगे बात हम करते हैं फटाफट फड़। रिप्लाई करें अंकित जी आ रहा है सर गिरिराज हाँ सर रामहेत वैरवा यस सर हीरा जी यस कुंदन धाकड़ आ रहा है पवन कुमार मीना गुड मॉर्निंग गिरिराज प्रजापत नहीं सर ये गिरिराज को समझ में नहीं आ रहा है अब इससे अच्छा मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ गिरिराज इससे अच्छा है कि केवल आप नाम सुन लें कृष्णा बिल्कुल हरीश कुमार गुड मॉर्निंग बाद में दुष्यंत सुरेंद्र संजय कृष्णा बिल्कुल कृष्णा एक बार हो गया ना जाग रहे हैं सर अमनदीप बिल्कुल सही है रवि रेगर थोड़ा थोड़ा रवि तेरे को मोबाइल देखते ही समझ में नहीं आते हैं तू तो नाम पढ़ लेना और ये जैसे हैं जनरल हॉर्टिकल्चर आप जो पढ़ रहे हो उसके आम के पहले वाले पेज को आप पढ़ना वहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ पेज नंबर आम के पहले एक देना सर सार वाले बुक मैं बताऊँ पेज नंबर क्या है भावेश सर आप बताना पेज नंबर क्या है कल्चरल ऑपरेशन का गौरी शंकर शांधिया चले अब हम बात करते हैं अब मैं आपको बताता हूं पेज नंबर आप क्या देख रहे हो जहां पे ये पॉइंट है अपना दो सो अब देखो 232 नंबर में क्या पॉइंट है केवल देना सर थोड़ा सा बुक भी देना 232 बिल्कुल रामहेड वैरवा अब ये 232 में मैं आपको इस तरह से भी पढ़ा सकता हूं देखो एग्रीकल्चर सार अगर आपके पास होंगे तो 232 में मल्चिंग किस में करते हैं स्ट्रॉबेरी में टेपिंग किस में करते हैं रवड़ और नारियल में रोस्टिंग किस में करते हैं काजू में स्टैकिंग टमाटर में प्रोपिंग केला गन्ना में बेंडिंग अमरूद में छः पॉइंट पढ़ाया हूं कितने टाइम लग गए पर एक बार आपको जिंदगी में पढ़ना है ज़्यादा बार बार पढ़ना नहीं है अब मैं आप लोगों से शुरू करूं अगर सबको समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंट कैप्रिफिकेशन किस में करते हैं अंजीर में ये जानते हो एमएससी में दो लाइन का लिखने का भी प्रश्न आएगा आपको कि कैप्रिफिकेशन है क्या सर क्लास कितने बजे लगती है रोज रोज तो लगते नहीं है डियर पर मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास आपके डेली लगे पर चलो देखता हूं आप चैनल को अगर कोई लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप कर देना नोटिफिकेशन आपको इसी पे मिलते रहेंगे अब मैं आगे बढ़ता हूं कैप्रिफिकेशन चले यहां तक के कहानी आपको अगर समझ में आ रहे हैं तो फटाफट फड़ करता हूं कैप्रिफिकेशन होता क्या है ये किस किसमें होते हैं देखो अंजीर में प्रश्न क्या क्या आएगा लोक में पहले प्रश्न बता देता हूं कैप्रिफिकेशन किसमें करते हैं अंजीर में अब इसमें अंजीर में ये जो कीट देख रहे हो ना ये क्या करेगी पोलिनेशन की क्रिया परागन की क्रिया इनका नाम क्या है इनका नाम है वैस्प। याद रखोगे अंजीर में परागन की क्रिया किनके द्वारा होते हैं इस कीट के द्वारा और इस कीट को बोलते हैं फिग वैस्प। जैसे मैं पूछूं कि आम में पोलिनेशन की क्रिया किसमें किसके द्वारा करते हैं आम में तो याद रखोगे हाउस फ्लाई किसके द्वारा करते हैं दोस्त हाउस फ्लाई तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कैप्रिफिकेशन इसे हम समझते हैं काफी डिटेल में कि कैप्रिफिकेशन होता क्या है सबसे पहले ये फिग का फ्लावर देख लो <coughs> ये क्या है फिग का फूल देख लिया और फिग का फूल अगर देखा है तो इसमें मैं बताता हूं देखें इसे और अच्छे से देख लो चलो शॉर्ट में पढ़ा देता हूं ये कैप्रीफिग है दो तरह के फीग हम पढ़ रहे हैं दो तरह के अंजीर एक तो है कॉमन फीग जिसमें केवल पाया जाता है मादा पुष्प मादा फ्लावर केवल पाया जाता है क्या मादा फ्लावर डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं बीएससी में जीआरएफ में कि कॉमन फिग का मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है पिस्टिलेट फ्लावर केवल इसमें क्या है मादा फ्लावर अब यहां क्या है कैपरी फिग कैप्री फिग नेचर कैसा है मोनोइसियस मोनोइसियस का मतलब एक प्लांट है जिसमें मेल भी होगा और फीमेल भी होगा तो इसे कहते हैं मोनोइसियस प्लांट सही है यहां तक मोनोशियस किसे कहते हैं जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है तो यहां से पोलिन ग्रेन देखो कहां तक आते हैं कॉमन फिग के पास किसके द्वारा आते हैं वैस्प के द्वारा इसे हम कहते हैं कैप्रिफिकेशन यानी परागकण कैप्रीफिग का क्या है पोलेन ग्रेन पोलेन ग्रेन परागकण ट्रांसफर होता है किसमें कॉमन फीग में किसके द्वारा वेस्प के द्वारा इसे हम क्या कहते हैं कैप्रिफिकेशन कौन ले जा रहा है बताओ ये तो इसे बोलते हैं कैप्रिफिकेशन आप ध्यान रखोगे इस पॉइंट को अगला धुआं लगाना देखे जल्दी जल्दी पॉइंट करता हूं चलो फास्ट करा देता हूं धुआं लगाना ये धुआं लगा रहे हैं आम के बाग में धुआं लगा दिए इससे क्या फायदा होगा जल्दी से फूल आएंगे फूलों का आगमन जल्दी होगा देखो ये तो ये धुआं लगा दिए केला आम में पुष्पन बढ़ाने के लिए धुआं लगाते हैं ये फिलीपींस में ज्यादा करते हैं वहां आम के बाग में धुआं लगा देते हैं इसको कहते हैं स्मडिंग यानी धुआं लगाना नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्त जल्दी देखते हैं नोचिंग no <coughs> कली है यह क्या है कली जिसको बोलते हो बड इसके ऊपर चीरा लगा देना यहां पे चीरा लगाना यहां पे कली के ऊपर चीरा लगाना कहलाता है नोचिंग no और यह करते हैं किसमें अंजीर में डिस बडिंग डी का मतलब क्या होता है हटाना किसको हटाना बड को हटाना कली को हटाना देखो ये कली है ये क्या है बड कली एक ही में बहुत सारे कली है यहां पे चार कली है एक दो तीन चार इनमें से दो को हटा दिया ताकि फूलों की साइज क्या हो जाए बढ़ जाए बड 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 को हटाना क्या कहलाता है दिस बडिंग किसमें करते हैं गुलदावदी गुलदावदी को क्या कहते हैं फूलों की रानी ये क्या है <coughs> फूलों रानी आगे चलते हैं पल्सिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है देख के ही तुझे मजा आ रहा होगा ये पल्सिंग की क्रिया पल्सिंग की क्रिया देखो ये समय अभी आने वाला है आपको ये गुलाब देने का पल्सिंग देख लिया ना तो इसमें क्या डालते हैं एक सोल्यूशन बनाए एच टू है और क्या है दोस्त सुक्रोज है सुक्रोज है और क्या डालते हैं इसमें जर्मी बताया था जर्म को नाश करने वाला जर्मी एक नाम याद रखोगे एच सी क्यू एट याद करवाया था ना ये सारे क्रिया ये एक सोल्यूशन बना लिए जिसको क्या बोलते हैं पल्सिंग पल्सिंग से गुलाब जो मुरझाया हुआ है ये फ्रेश हो जाएगा पल्सिंग की क्रिया किसमें करते हैं गुलाब में रूट प्रूनिंग जड़ का प्रूनिंग करना क्या कहलाता है रूट प्रूनिंग जल्दी जल्दी आ जाए रूट प्रूनिंग कौन कौन है रूट प्रूनिंग रूट प्रूनिंग करते हैं देखो ये जड़ को निकाल देना जड़ को ही थोड़ा थोड़ा सा देखो ये. जड़ के मिट्टी उट्टी निकाल देना यहाँ से रूट प्रूनिंग बहुत आसान थोड़ी फास्ट करता हूँ यह भी करते हैं कहाँ गुलाब और अमरूद में क्रॉप रेगुलेशन के लिए करते हैं अच्छा ये सर ये रूट प्रूनिंग एक फायदा बता दो क्या फायदा है इसका मैं बताता हूँ जैसे ये रूट प्रूनिंग करेंगे ना तो इस जड़ों का जो जकरा डूट होते हैं फाइबरस रूट इसकी संख्या बढ़ जाएंगे देखो ये ऐसा ऐसा रूट हो जाएगा इसको जितना काटोगे ना रूट को उसकी वृद्धि और ज्यादा होंगे यानी फाइवरस रूट की संख्या क्या होगा बढ़ जाएगा फाइबर वाले रूट बढ़ेंगे और जितना ज्यादा रेसेदार रूट बढ़ेंगे अवशोषण बढ़ जाएगा क्या बढ़ जाएगा एब्जॉर्बन बढ़ेगा यानी ये खनिज का अवशोषण ज्यादा करेगा ज्यादा करेगा तो ज्यादा करेगा तो फूलों की आकार क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे तो ये रूट प्रूनिंग का एक फायदा है ये कि फूलों की साइज क्या हो जाते हैं इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि इसका अवशोषण क्या हो जाएगा दोस्त बढ़ जाएंगे रूट प्रूनिंग स्कूपिंग पूरी हॉर्टिकल्चर का टर्म आपको बता रहा हूं स्कूपिंग किसमें करते हैं स्कूपिंग देखो ये फूलगोभी देखा होगा आपने फूलगोभी को ये बीच से हटा देते हैं ये लो अब जब फूलगोभी को बीच से ये भाग हटा दोगे तो यहां से फूलों के डंठल आएंगे क्या आएगा यहां से फूलों के डंठल आएंगे और इस फूलों के डंठल देखो ये हटा दिया था मैं सारे कर्ड हटा दिया हूं तो यहां से फूलों के डंठल आएंगे अब ये फूल बनेगा इस फूल से इसका क्या बन गया ये सीड बन गए ये क्या बन गया फ्लावर है और ये इसका क्या है कर्ड का पार्ट है जिसको हमने हटा दिया तो ये कहलाते हैं स्टम्पिंग सर ये सब स्टम्पिंग की क्रिया कहाँ उपयोग लेते हैं तो ये वैज्ञानिक लोग लेते हैं इसका सीड प्रोडक्शन में सीड प्रोडक्शन ठंडे प्रदेश में करते हैं सीड प्रोडक्शन में स्कूपिंग की क्रिया यूज होते हैं किसमें करते हैं फूलगोभी में स्टंपिंग किसमें करते हैं स्टंपिंग पत्ता गोभी में सेम है फूलगोभी में उपयोग करते हैं कर्ड को और पत्ता गोभी में उपयोग करते हैं हेड को देखो हेड को इसे कहते हैं हेड इंटैक्ट मेथड यानी हेड को यही छोड़ दिया गया अब हेड से आएंगे क्या इसका फ्लावर इनिशिएशन फूलों के डंठल अब इसमें फूल लगे हुए हैं इससे बनेगा बीज तो ये होते हैं स्टम्पिंग आगे बढ़ते हैं स्टैकिंग मूली में करते हैं ये भी सीड प्रोडक्शन के लिए देखो मूली का लीफ मूली का फ्लावर देख लो मूली का पौड मूली का पौड ये दिखा रहा हूं इसी पौड में लगेंगे इसका बीज मूली के पौड इसमें लगेंगे बीज यानी कि ये भी सीड प्रोडक्शन के लिए करते हैं स्टैकिंग तो तीन पॉइंट याद रखोगे <coughs> स्कूपिंग किसमें करते हैं फूल गोभी में स्टंपिंग किसमें करते हैं पत्ता गोभी में और लास्ट स्टैकिंग स्टैकिंग किस में करते हैं मूली में ये तीनों स स याद रखना और तेरे बुक में लिखे हुए हैं 221 नंबर पेज पे वहां पे आप देख लेना कल मैं सबसे पूछ लूंगा ये पॉइंट क्या है अगला है लेंसिंग लेंसिंग का मतलब होता है चीरा लगाना लेंसिंग का मतलब क्या है चीरा लगाना देखो ये अफीम है इसमें चीरा लगा दिया तो जिससे इसके लेटेक्स क्या हो जाएंगे बाहर आ रहे हैं ये देखो ये इंसान ये अफीम का फ्रूट जिसको क्या बोलते हो कैप्सूल अफीम के फल को क्या बोलते हैं कैप्सूल ये फल इस फल में क्या करते हैं चीरा लगा देते हैं जिससे इसका लेटेक्स बाहर आता है इस क्रिया को कहते हैं, लेंसिंग। क्या कहते हैं दोस्त लेंसिंग। आगे हम बढ़ते हैं अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने देखे कि क्या है अगला पॉइंट है टॉप वर्किंग किसे करते हैं टॉप वर्किंग की जो क्रिया होते हैं ना दोस्त ये करते हैं आम में मैंने क्या बोला था कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति नहीं फलन दे रहे हैं तो उनको क्या कर दो टॉप वर्किंग देखो बेचारे ये आम का कर दिया टॉप वर्किंग ये आम बाग में बहुत जगह ले रहा था ये पूरी शाखा ऐसे फैले हुए है, आम का पर ये कोई फल नहीं दे रहा था तो ऊपर से काट दिया ये काट दिए इसको बोलते हैं टॉप वर्किंग ऊपर से कट कर दो तो ये किसमें करते हैं आम में आगे डबल वर्किंग दो बार ग्राफ्टिंग करना बता चुका हूं डबल वर्किंग किसमें करते हो नाशपाती में और ये अभी बार बार टर्म आएंगे जैसे एक बार देखो ग्राफ्टिंग किए दो बार ग्राफ्टिंग करके एक नया प्लांट डेवलप करना क्या कहलाता है डबल वर्किंग और इसमें क्वींस रूट स्टॉक का बहुत बड़ा योगदान है ओल्ड होम और ये बार्लेट पियर सियोन का, का काम करता है ओल्ड होम जो है इंटर स्टॉक छोड़ देना ये सब क्या है दो बार किस में नाशपाती में ये इमेज काफी इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं केजिंग तकनीक आम में पढ़ेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनको देखो ये कीट क्या है इसे स्टार लगाना हाउस फ्लाई हाउस फ्लाई जिसे कहते हैं घरेलू मक्खी घरेलू मक्खी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये करते हैं आम में पोलिनेशन देखो घरेलू मक्खी बाग में क्या होता है इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए किसके हाउस फ्लाई का आर एन सिंह एक वैज्ञानिक थे इन्होंने इस तकनीक का क्या किया था इवोल्यूशन यानी कि डेवलप किया गया आर एन सिंह के द्वारा जिसमें हाउस फ्लाई को आम के बागों में बढ़ावा देते हैं ताकि ये पॉलिनेशन कर पाए यानी परागन की क्रिया करे कैसे करते हैं वो तो आम में पढ़ेंगे अभी आप केवल देखें केजिंग तकनीक आम में करते हैं पुनः निर्माण रिजुवनेशन ये भी किस में करते हैं आम में जैसे देखे आप ये आम के पेड़ को जब आपने काट दिया था तो काटने के बाद देखो यहां से ये पत्ती आ रहे हैं देखो कटा हुआ आम पूरी कटा हुआ यहां से पत्ती आ रहे हैं इसको काट दिए थे इसको कहते हैं हेडिंग या टॉप वर्किंग काट दिया अब यहां से देखो सब आम में जो जो काटा हुआ है सब में आ रहे हैं फिर से यानी इसमें फिर से जीवन आ रहे हैं इसको कहते हैं रिजुवनेशन फिर से जीवन आना और ये होते हैं किसमें आम में बोवर सिस्टम अंगूर का बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग मेथड जो भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है इसे हम कहते हैं बोवर सिस्टम या पंडाल विधि अगर आपको इकोनॉमिकली देखा जाए कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के आधार पे कि कौन सा अंगूर का सिस्टम सबसे अच्छा है भारत में और बार बार प्रश्न ये पूछते हैं तो वो सिस्टम है दोस्त जिसका नाम है बोअर सिस्टम बोअर सिस्टम को हम कहते हैं पंडाल विधि सर ये पंडाल विधि क्या है तो जैसे आपने घर में देखा ना पंडाल बनाते हैं देखो पंडाल बना दिए अब यहाँ पे अंगूर की ये लत को चढ़ा देते हैं वाइन को चढ़ा देते हैं जब ये पंडाल पे चढ़ जाएगा तो जब इसके बेरी बनेंगे गुच्छा बनेगा इस तरह के अंगूर बनेंगे तो वो कहां आएंगे इस पंडाल से रस्सी से नीचे लटके हुए रहेंगे देखो ए, कुछ इस तरह से लटकेंगे इस तरह से जो आसानी होगा किसके लिए हार्वेस्टिंग के लिए जब इसकी तुड़ाई करोगे तो नीचे लटका हुआ अंगूर है आसानी से आप तोड़ लोगे तो यह सबसे अच्छा ट्रेनिंग विधि है किसमें अंगूर में जिसे पंडाल विधि भी कहते हैं या बोअर सिस्टम कहते हैं भारत में इसी विधि को ज्यादा अपनाया जाता है और वो कौन है बोअर सिस्टम बाहर नियंत्रण अमरूद में करते हैं ये बहुत अच्छा से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बार बार इसको नहीं पढ़ाऊंगा आधा घंटा समय लग जाएंगे और आपको डिटेल पढ़ाऊँगा मैं जब क्रॉप पढ़ाएंगे अभी आप याद रखना कि बाहर नियंत्रण किस में करते हैं अमरूद में करते हैं अनार में करते हैं और किस में करते हैं नींबू में करते हैं तो इसमें तीनों में करते हैं हम बाहर नियंत्रण काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये तीन तरह के सर बाहर नियंत्रण होता क्या है फूलों का नियंत्रण करते हैं और ये सारे अभी चीज छोड़ देना इसको इस पॉइंट को छोड़ना ये हम अमरूद में पढ़ेंगे काफी समय लगेगा इसमें अगला बाहर नियंत्रण अनार में अमरूद में नींबू में और ये अमरूद का मैं फूल दिखा दिया हूं कैसे नियंत्रण करते हैं ये हम अमरूद में डिटेल पढ़ने वाले हैं बैगिंग बैगिंग तकनीक क्या होता है देखो बैगिंग बैगिंग का मतलब इसको ढक देना क्यों ढकते हैं क्योंकि अनार की जो तितली होते हैं पोम ग्रेनेट बटरफ्लाई जो होता है वो इसको बड़ा नुकसान करता है इसीलिए इसको क्या करते हैं बैगिंग थैला से ढक देते हैं तो बैगिंग अभी ध्यान रखना किसके अनार की तितली के लिए करते हैं अनार की तितली से बचाने के लिए क्या करते हैं बैगिंग की क्रिया जिससे फ्रूट की क्वालिटी क्या होगा अच्छा रहेगा बना रहेंगे वेपर हीट ट्रीटमेंट वेपर हीट ट्रीटमेंट किसमें करते हैं उपचार उपचार देखो ये वास्प उस्मा ये करते हैं दोस्त आम में वेपर हीट यानी गर्म करते हैं और उस पर आम को दे देते हैं क्यों करते हैं क्योंकि ये अमेरिका में ना जब हम आम को बेचते थे निर्यात करते थे देश वाले तो ये दूसरे कंट्री में जब ये निर्यात होता था तो इसको वैज्ञानिक देखा तो इसमें दो कीट पाए गए कौन कौन एक तो फ्रूट फ्लाई का अंडा मिला इस आम के अंदर और एक स्टोन बीबिल ये दो कीटों के अंडा कहां पाए जाते थे आम के अंदर तो अमेरिका यूरोपियन कंट्री ना भारत से आम लेना बंद कर दिया तो भारत सरकार को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि हमारे देश के आम में क्या मिल गए फ्रूट फ्लाई एक कीट है स्टोन बेबिल कीट है इसके अंडे पाए गए तो अमेरिका और यूरोप वाले बोला यार भारत वाले ने मुझे पागल बनाया खराब खराब मुझे आम खिला दिया इन अंडे को नाश करने के लिए एक टेक्निक अपनाते हैं जिसका नाम क्या है वेपर हीट ट्रीटमेंट देखो इस तरह के आम को पे लगा देते हैं जिससे उसके अंदर जो कीट होता है वो क्या हो जाएंगे नाश हो जाएंगे फिर उसको पैक करके बाहर भेजते हैं वेपर हीट ट्रीटमेंट बाद में पढ़ेंगे इसका तो ये हो गए दोस्त आपको कंप्लीट पूरी कहानी जो आपने 221 नंबर पेज में पढ़ा इसके बाद का लेक्चर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए आप लोग मस्त रहें और आज अपने रूम पे ही पढ़ें अगर बच्चे आप पढ़ रहे हो तो अपने रूम पे टेस्ट की तैयारी करें कल हम फिर